तो गाइस क्या आप यहाँ पे गूगल पिक्सल के दीवाने हो? तो मैं आपको बता दूं, एक खुशखबरी है, इस बार गूगल पिक्सल 7 एंड 7 प्रो जो है वो अक्टूबर के अंदर इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, फाइनली यहाँ पे गूगल 6a को काफी अच्छा रिस्पांस मिला एंड गूगल ने सोचा हम इंडिया में भी लेकर आते हैं। वैसे तो मैं इसको 2-3 सालों से बोल रहा हूँ कि गूगल आपको इंडिया में लाना चाहिए, बट यहाँ पे प्राइसिंग को अच्छा रखोगे तभी आप बिक पाओगे। नहीं तो लोग अगर ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्चने जाते हैं तो या तो वो एप्पल लेते हैं या तो वो सैमसंग लेते हैं। तो पिक्सल को यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी बन के आता है। बट अभी हम बात करते हैं, इंडिया में पिक्सल 7 और 7 प्रो आ रहे हैं तो वो कैसे होने वाले एंड क्या कुछ देखने को मिलने वाला है एंड ऑल्सो प्राइसिंग क्या हो सकती है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो स्टार्टिंग विद द पिक्सल 7 जो कि एक स्टैंडर्ड वर्जन होगा पिक्सल सीरीज के अंदर, ये वाला जो फोन है वो काफी धमाकेदार फीचर्स के साथ आ रहा है और जो प्रो है इवन की बेटर फीचर के साथ आ रहा है। पर दोनों में परफॉर्मेंस के मामले में कोई कमी नहीं रहने वाली क्योंकि इस बार नया चिपसेट आने वाला है जो कि सैमसंग बनाने वाला है पिक्सल फोन्स के लिए, जो कि है टेंसर G2 चिप। अभी टेंसर G1 ही काफी ज्यादा तगड़ा था बट यहाँ पे टेंसर G2 आ रहा है और इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। LPDDR5 रहने वाली है प्लस यहाँ पे UFS 3.1 रहने वाला है, तो हार्डवेयर बेस पे तो पिक्सल जो है वो एकदम से बढ़िया होने वाला है। प्लस टाइटन चिप की सिक्योरिटी होगी और एंड्रॉइड के 5 के जो अपडेट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना उसको आप बिल्कुल खुश रह सकते हो। और हमें पिक्सल फोन से डेफिनेटली पता है जब पिक्सल फोन आ रहा है तो हमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलने वाला है, प्योर एंड्रॉइड मिलने वाला है एंड देयर विल बी नो अडल्ट्रेशंस, राइट? यहाँ पे हमें एकदम से बढ़िया वाला निकल कर आएगा एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 4 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन यूज किया जाने वाला है, यानी कि बैटरी कंजम्पशन बहुत अच्छे से होगी। इस बार जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो है 6.3 इंचेस की एक फुल HD+ वाली डिस्प्ले और यहां पर सुनने को है शायद 90Hz का डिस्प्ले हो सकता है, बट यहां पे सेकंड लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि 120Hz का डिस्प्ले होगा। लेट्स सी क्या होता है। बट 10 बिट का पैनल हमें देखने को मिलने वाला है एंड डॉल्बी विजन भी होगा, HDR10+ का सपोर्ट भी होगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस लगा होगा। बैक साइड पे काफी ज्यादा पिक्सल 6 इंस्पायर्ड डिजाइन होने वाला है और ये बहुत ज्यादा क्लासी लगेगा। Yes, पीछे की साइड भी ग्लास बैक होगा बट बहुत ज्यादा प्रीमियम फील करवाएगा एंड गूगल के जो डिजाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। हमने देखा ही है पिक्सल 6 सीरीज कितनी ज्यादा सुंदर है एंड इवन कि अगर मैं याद करूं तो नेक्सस सीरीज से जब गूगल के फोन्स आ रहे हैं ना इनके डिजाइन एकदम से यूनिक होते हैं। और हाँ, इस फोन में फ्लैट डिस्प्ले कर्व्ड नहीं देखने को मिलेगी। बट बात करें अगर कैमरास की तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल्स का एक कैमरा देखने को मिलेगा जो कि आएगा OIS के साथ और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा हमें। तो ये वाली स्ट्रेटेजी के साथ गूगल जो है वो उतरने वाला है। प्लस 11 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब पिक्सल 7 सीरीज के अंदर टेंसर G2 की हेल्प के साथ यहाँ पे वीडियो कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और यहाँ पे एप्पल को अगर सही मायने में अगर कोई टक्कर देता है तो वो देता है गूगल पिक्सल। 4700 एमएच की बैटरी होगी, 30 वॉट का चार्जर का सपोर्ट होगा बट बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। नाउ ये फोन शिप जो होगा वो एंड्रॉइड 13 के साथ ही होगा आउट ऑफ द बॉक्स, बट उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 4-5 ईयर्स के अपडेट्स रहेंगे, सिक्योरिटी पैचेस भी रहेगी और टाइटन चिप भी देखने को मिलेगी सिक्योरिटी के लिए। एक्स एक्सिस का मोटर होगा वाइब्रेशंस के लिए। प्लस यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी कमाल साउंड एक्सपीरियंस भी दे देंगे एंड ट्रिपल माइक का सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज पिक्सल 7। अभी बात करते हैं प्रो में हमें और क्या देखने को मिल सकता है क्योंकि पिक्सल 7 जो है वो ऑलरेडी एक फ्लैगशिप फोन बन गया है बट प्रो मॉडल भी तो आएगा। तो जो प्रो मॉडल होगा वो 6.3 इंचेस की जगह 6.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ होगा एंड यहाँ पे क्वाड HD+ का रेजोल्यूशन बन जाएगा। बाकी सारी की सारी चीजें जो डिस्प्ले में है वो एकदम से सेम रहने वाली है, बट इसमें शॉर्ट ही है कि 120Hz का पैनल ही होगा, 90Hz नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। ओ हाँ, मैंने बताया नहीं ना, दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे विच इज अ वेरी नाइस थिंग। अब इस फोन में भी टेंसर G2 वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है, जो चेंज होगा वो है यहाँ पे कैमरा सिस्टम। अभी कैमरास के अंदर 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा और जो अल्ट्रा वाइड है वो 48 मेगापिक्सल का हो जाएगा और प्राइमरी में भी OIS होगा, शायद अल्ट्रा वाइड में भी हमें OIS देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अंदर जो बैटरी है वो भी बढ़ जाएगी, 5000 mAh की बैटरी होगी। बाकी वही 30 वॉट का सपोर्ट होगा बट बॉक्स के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नाउ बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग के बारे में। देखो 6 अक्टूबर को इसका लॉन्च है फोन का, आई डोंट नो इंडिया में एग्जैक्टली साथ ही में आ जाएगा या कुछ दिन ठहर के आएगा, बट जो भी है जो प्राइसेस है ना वो Amazon की वेबसाइट पे लिस्ट हो गया था एंड गलती से पता चल गया था।
पिक्सल 6 होने वाला है $599 से स्टार्ट बेस वेरिएंट, यानी कि इंडिया में बनता है कुछ 49,000 रुपीस। एंड यार यहाँ पे पिक्सल 6 से जो है ना वो 44,000 का आया था, और मुझे कहीं से भी लगता नहीं है कि ये वाला फोन 49,000 इंडिया में हो सकता है। ये कम से कम 60,000 के आसपास का प्राइस यहाँ पे रखेंगे। और अगर बात करें पिक्सल 7 प्रो की, तो पिक्सल 6 प्रो जो है वो $899 का आया था, कुछ 72,000 के आसपास। मुझे लगता है इसका प्राइस को रखेंगे 80-85,000 के आसपास, मेरी स्पेकुलेशन है। बाकी गूगल हमें हैरान कर दे, परेशान कर दे, तो वो अलग बात है, प्राइस और कम या ज्यादा भी हो सकता है। इट्स गूगल, गूगल कुछ भी कर सकता है। बाकी आप मुझे बताइएगा पिक्सल 7 और 7 प्रो के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आप आईफोन ले चुके हो, या फिर आप कोई और ब्रांड को पसंद करते हो। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने शामिल करके ख्याल किस्मत गाइस, एंड जब तक मैं आता हूं तब तक कीप चेजिंग योर ड्रीम्स।